नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाली बीजेपी विधायक केतकी सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। बासजी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में केतकी सिंह तहसीलदार को धमकी देती दिख रही है और तहसील में आग लगाने की बात कहते नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में इन दिनों बाबा का बुलडोजर जमकर चल रहा है, क्या आम क्या खास। यूपी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी सरकार 2.2 में अधिकारी भी इन दिनों बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन यूपी के बंसडीहा में अधिकारियों को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना इस बार महंगा पड़ गया। इस बार अधिकारी सीधे बीजेपी विधायक के निशाने पर आ गए और अधिकारियों को बीजेपी विधायक और उनके गुस्से का जबरदस्त सामना करना पड़ गया। आइए आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल उदहा गाँव में अवैध जमीन पर कब्जे को लेकर शिकायत आई थी। इसके बाद तहसील प्रशासन ने बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कोशिश की। जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला था वह फरियाद लेकर विधायक के पास पहुंच गया। फिर क्या था, मौके पर पहुंची माननीय विधायक जी ने तहसीलदार को जमकर खरी खोटी सुनानी चालू कर दी। वायरल हो रहे वीडियो में विधायक केतकी सिंह कहती दिख रही हैं कि मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा क्या, बुलडोजर लेकर चले आए? सम्मान रखा नहीं है। अगर ये सम्मान तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग आपको लौटाएंगे फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले आए। हमारे पास सब तो की ताकत, तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। केतकी सिंह ने तहसीलदार को तो धमकी ही दे दी, साथ ही साथ तहसील में आग लगाने की बात तक कह डाली। वायरल हो रहे वीडियो में तहसीलदार को न सिर्फ विधायक जी के गुस्से का सामना करना पड़ा, बल्कि विधायक के समर्थकों ने भी तहसीलदार को जमकर सुनाया। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के समर्थकों ने भी तहसीलदार को धमकी दी और कहा कि एक बार विधायक ने जो कहा उसे आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आपकी तहसील में आग लगा देंगे। इतना ही नहीं, विधायक के समर्थकों ने तहसीलदार को अपशब्द भी कहे। आप पूरा घर फंसा देते, उसे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रोकना पड़ेगा, नहीं तो आग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप, बड़ा दिमाग है कितने पाल को बड़ा बोलाइए इसको। नहीं, मैं क्या समझते हैं आप? अभी आज की कहानी क्या समझते हैं? अभी रुका है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही विवाद बढ़ गया। यूपी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी की योगी सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर दिया। विवाद बढ़ता देख विधायक केतकी सिंह की ओर से सफाई भी आई। इधर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक केतकी सिंह ने इस मामले पर सफाई दी और कहा कि सुबह कुछ फरियादी मेरे पास आए, बिना किसी नोटिस के वहां पर बुलडोजर लेकर कुछ अधिकारी पहुंच गए और उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया जिससे उसका कुछ हिस्सा टूट गया। देखिए मामला ये था कि कुछ फरियादी मेरे पास सुबह आए और उन्होंने ये बताया कि हमारे परदादा ने बिना जानकारी के, बिना एक सौर की ज़मीन होती है, हर गांव में अमूमन होती है, वो ज़मीन ऐसी होती है जहां बच्चों को पहले पुराने ज़माने में लोग महिलाएं पैदा करती थी, तो वो ज़मीन उसके लिए बुक हो जाती है। तो उनके परदादा ने जानकारी के अभाव में वहां पे एक मकान बना लिया। अब जो है, जब सारी जानकारियाँ हो रही हैं, सरकार हमारी बहुत एक्टिव है हर सरकारी ज़मीन के लिए, तो ये पता चला कि उनका वहाँ मकान बना हुआ है। वो बेचारे, उनका बंदर कूद गया तो छप्पर टूट गया था, तो वो अपनी छप्पर ढा रहे थे, तो बिना किसी नोटिस के वहाँ पे कुछ अधिकारी पहुँच गए बुलडोज़र लेकर और उसके घर को बुलडोज़र चला दिया उसके घर के ऊपर, जिसमें कुछ उसका हिस्सा टूट गया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ यह कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। उचित कारण भी हो तो भी आप गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। बस यही मामला था।
बहरहाल बड़ा सवाल ये उठता है कि विधायक जैसे संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स को ऐसी भाषा बोलना शोभा देता है क्या? गलती चाहे अधिकारियों की हो या विधायक समर्थकों की, लेकिन जिस भाषा में अधिकारियों से बात की गई वो कितनी ठीक है।